एवरीवन, आज हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड यार बताता हूँ प्लेसमेंट की बात करेंगे कि ट्रिपल एमयूटी में प्लेसमेंट कैसा है। ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा डाटा है ट्रिपल एम का, जो कि ईयर 21-22 का है। ठीक है, 2021-22 का जो डाटा है हमारे पास है, हम देखेंगे। मैं आपको बहुत रफ आइडिया दूंगा कि कौन सी कंपनी हाईएस्ट ले गई, कौन कौन कंपनियाँ आई थी और क्या स्टैटिक्स है। बाकी ये वाला पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप एक एक कंपनी के पैकेज, प्लेसमेंट ऑफर, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेलेक्टेड, ब्रांच वाइज सब कुछ आप देख सकते हैं। क्योंकि ये सब कुछ बताने लगूंगा तो पीडीएफ बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, एमबीए और बीबीए एक साथ, एमसीए और एमटेक की सारी ब्रांचेस, क्योंकि उसमें कोर्स स्पेसिफिकेशन हो जाता है तो वहाँ से फिर, और यहाँ पे टोटल, और बी और जी का मतलब है बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स हर ब्रांच में। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा एक ग्रैंड टोटल, और फिर इस ग्रैंड टोटल, और इधर है सैलरी ऑफर्ड, और नेम और ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने, कंपनी ने आकर के ऑफर्स यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ पीपल जो कि गए हैं कॉलेज से और कितने पैकेज पे गए हैं, तो यहाँ पे 23 लोग गए हैं और वो 6 लाख के एवरेज पैकेज पर गए हैं, जो यहाँ वाला डाटा है। ठीक है, कॉग्निजेट करके है, इस कॉग्निजेट ने जो है पूरे कॉलेज से 96 पीपल को उठाया है 4 लाख के एवरेज पैकेज पर। ठीक है, मिनिमम 4 लाख, तो ये बहुत मैं ह्यूज जो रिक्रूटमेंट है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को कॉलेज से ले गए हैं, तो पैकेज भले ही कम हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोगों को ले गए हैं। इरिक्सन ग्लोबल सर्विसेज, ठीक है, इरिक्सन ग्लोबल सर्विसेज करके एक कंपनी है जो 74 लोगों को 4.5 लाख पर लग गई है लगभग। तो उसमें देखिए इन्फोसिस हमेशा से है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर, कोटक महिंद्रा बैंक भी आया है, ठीक है, L&T है, पेटीएम है, न्यूक्लियाई है, TCS है, TCS हमेशा आती है, बहुत ज़्यादा लोगों को ले जाती है, एक वोडाफोन भी है यहाँ पर, विप्रो है, और TCS निंजा और TCS डिजिटल है, और TCS निंजा ने यार काफ़ी लोगों को उठाया हुआ है। अगर आप देखें ध्यान से, TCS निंजा ने लगभग CS से 20 लड़कों को लिया है, CS से 20 लड़के और 3 लड़कियां हैं, फिर ECE से 11 और 2 लोग हैं, इलेक्ट्रिकल से 4-3-7 लोग हैं। ठीक है, फिर ऐसे करके एमटेक से इन्होंने लगभग 40 लोगों को लिया है, टोटल 49 लोगों को ले गई है। ठीक है, TCS ने, विप्रो का अगर आप देखेंगे तो 33 लोग को CS से लड़कों को और 9 लड़कियों को, ECE से 40 लड़के 9 लड़कियां, और इलेक्ट्रिकल से 20 लड़के 4 लड़कियां, केमिकल से भी गए हैं, वैसे ही सिविल, केमिकल, फिर MBA, BBA इन सबसे नहीं ले गया है, टोटल 135 लोगों को ले गया है लगभग 3.5 से 6 लाख के पैकेज पर। ठीक है, अब ये तो हो गई थी जो प्रोमिनेंट कंपनियां, अब मैं कुछ हाईएस्ट पैकेजेस की बात कर लेता हूं कि हाईएस्ट पैकेज कितने कितने गए हैं। ठीक है, तो आप यहां पर अभी मिनिमम यहां पे मुझे दिख रहा है जो वो 10 लाख का पैकेज है। ठीक है, 10 लाख का है, कोई एक बंदे को मिला था 10 लाख्स। हाईएस्ट 50 लाख का पैकेज भी दिखेगा एक, जो कि 2 लोगों को मिला था। ठीक है, 16 लाख भी है यहाँ पर, तो अगर आप अच्छे बच्चों में रहेंगे 12 और 11 लाख भी है। ये जो 50 लाख वाला पैकेज है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बाकी 11-12 बहुत नॉमिनल है, ये मिल जाता है इजीली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 19 लाख का भी पैकेज है, 23 लाख है, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, मतलब 1 लाख रुपए महीने आप तुरंत कॉलेज से ही जाते हुए अपनी 22-23 की उम्र से कमाने शुरू कर देंगे, ये छोटी बात नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये 17 लाख का पैकेज है एक, यहाँ पे 11 लाख का पैकेज है, 2-2 बच्चों को मिला हुआ है, ये 7 बच्चों को 11-11 लाख का पैकेज मिला है, 45 लाख भी है, एक मिनट मैं अच्छे से दिखाता हूँ, 45 लाख का जो पैकेज है ये भी है, 5 लोगों को मिला हुआ है कॉलेज से। तो हाईएस्ट पैकेज भी हैं, एवरेज भी हैं, टोटल मिला करके बहुत अच्छे बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है। तो हमने टॉप कंपनियों की बात कर ली, टोटल लगभग 110 कंपनियां हैं यार, तो सबकी बात करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए वीडियोज़ में, 110 कंपनियां हैं टोटल। और हमने बात कर ली हाईएस्ट पैकेजेस की, जिसमें हम देख लिए 48 लाख, 50 लाख्स और 10, 12, 18, 23, ये सब हैं नॉर्मली। हम ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल प्लेसमेंट पैकेज और एवरेज पूरा ग्रैंड टोटल क्या हो रहा है कॉलेज में। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखें तो सीएस से टोटल
345 बच्चे गए हैं, जिसमें से 277 जो हैं बॉयज़ हैं और 68 गर्ल्स हैं, ठीक है। और इसी से बात करें तो 237 लोग गए हैं, उसमें से 182 जो हैं बॉयज़ हैं और 92 जो हैं गर्ल्स हैं, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिकल से 117 और मैकेनिकल से 114, फिर वैसे सिविल, केमिकल, फिर बीबीए और एमबीए का मिला करके, फिर एमसीए और एमटेक से 31 लोग, ठीक है। तो अब देख सकते हैं बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ह्यूज लेवल पर बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और पैकेज जो भी हो वो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो जाएगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे कॉलेज लाइफ में। तो अब मैंने दिखाया आपको हाइएस्ट पैकेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल लगभग 1022 लोगों की प्लेसमेंट हुई है। तो प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छा हुआ है पिछले 3-4 साल से। और मैं एक काम करता हूँ, आपको इसमें पीडीएफ जो है वो 2021 का भी दे देता हूँ, ठीक है। तो नो डाउट आप कॉलेज में आ सकते हैं, अच्छी स्किल्स डेवलप करेंगे, बहुत अच्छे पैकेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक बैच में लगभग 1500-2000 लोग होते हैं, उसमें से 1022 लोग प्लेस्ड हो चुके हैं। उसमें से कितने लोग यूपीएससी प्रिपरेशन, हायर एमटेक, आईआईटीज वगैरह में करने के लिए बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। तो आई थिंक इट्स ओवरऑल वेरी गुड प्लेसमेंट। आप अगर कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो आप आ सकते हैं, इट्स अ गुड प्लेस। ओके, थैंक यू सो मच।